प्रशिक्षु प्रशिक्षण अप्रेंटिस हेतु 4 अक्टूबर को आयोजित होने वाली अप्रेंटिसशिप मेला संबंधित बैठक जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जनपद के निजी उद्योगों के प्रतिनिधियों एवं राजकीय अधिष्ठानों के कार्यालय अध्यक्ष, संयुक्त निदेशक उद्योग, उपायुक्त उद्यम एवं प्रोत्साहन केंद्र, अपर नगर आयुक्त नगर निगम, प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चरगावा सहित संबंधित लोग मौजूद रहे। बैठक में आईटीआई के प्रधानाचार्य सत्यकांत द्वारा अधिष्ठानों के प्रतिनिधियों की अप्रेंटिसशिप से संबंधित समस्याओं का निराकरण किया गया। जिलाधिकारी द्वारा 50% से ज्यादा युवाओं को वोकेशनल ट्रेनिंग प्रदान करने का लक्ष्य स्थापित करने का निर्देश दिया गया तथा प्रशिक्षुओं में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयबिलिटी पर बल देने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने अप्रेंटिसशिप जैसे महत्वपूर्ण योजना को अधिक से अधिक उद्योगों में नियमानुसार लागू करने के लिए उपायुक्त उद्यम एवं प्रोत्साहन केंद्र को निर्देशित किया, जिससे जनपद में आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थी को अधिक से अधिक दक्ष बनाकर उनको रोजगार से जोड़ा जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, और इसके बाद मेरा मानना है कि ये बहुत ही नई शिक्षा नीति के तहत हमारा उद्देश्य है कि 50% से ज्यादा लोगों को वोकेशनल एजुकेशन पे हम लोग प्रशिक्षित करें। आप जानते हैं कि जितने भी विकसित देश वहाँ पे, जैसे साउथ कोरिया है, वहाँ 90% से ज़्यादा लोगों को वोकेशनल एजुकेशन में ट्रेनिंग मिलती है। हमारे चाइना में 60% होता है, यूरोपियन देश में वो सब में होता है। विशेष फोकस करना चाहिए हमारे यहाँ दो चार, जबकि असेंबली चेंज में बैठ के काम करना, अनेक चैनल का करेंगे सभी लोग कौशल विकास मिशन में आप अपील करते हैं। मैं कुंभ मेला से जो मेरा मैं अधिकारी था, तो वहाँ मैं देखता था जो परंपरागत रूप से टेंट लगाने वाले लोग, के साथ जनपद के उद्यमियों के साथ बैठक की गई, जिसमें शासन के मंशानुरूप और एक निर्देश मिले हैं कि एक महत्वाकांक्षी अप्रेंटिसशिप योजना प्रचलित की गई है, जिसके तहत सभी अभ्यर्थियों को अपने इच्छुक ट्रेड में यहाँ पे इंडस्ट्री के साथ लिंकेज करते हुए एक तरफ इंडस्ट्री को वहाँ पे अभ्यर्थी मिलेंगे जिनको वो प्रशिक्षण कर सकते हैं और एम्प्लॉयबिलिटी उनका बढ़ाते हुए उनको बाद में समायोजित कर सकते हैं, और उनके लिए शासन द्वारा स्टाइपेंड भी दिया जाता है और उनको लिंकेज भी किया जाएगा और इसको वेबसाइट के माध्यम से ट्रैक किया जाता है, और दूसरी तरफ से अभ्यर्थियों को दक्षता बढ़ा के अपने इच्छुक ट्रेड में वो आगे बढ़ने के लिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए व्यवस्था की गई। इसी के बारे में योजनाओं की जानकारी देते हुए सबको प्रेरित करने के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। 4 तारीख को भव्य मेला होगा, जिसमें 2000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को यहाँ का लक्ष्य मिला शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसमें उनको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग देने के लिए मैं सभी जनसमुदाय से अनुरोध करूँगा कि जो भी इच्छुक कैंडिडेट हैं इसमें हमारे आईटीआई पॉलिटेक्निक्स में अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन पोर्टल में अप्लाई करके उसमें आच्छादित हो सकते हैं।